नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी। मैगी को हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए देखिए कैसे बनती है, इनमें किन चीज़ों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैगी ले ली है और ये ले लिया है मैंने मैगी मसाला, यानी मैगी में से निकाल के रख लिया है मैगी मसाला। और ये मैंने ऑयल लिया है 1 चम्मच। ये मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है। ये मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली है। ये मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मेयोनीज लिया है और ये मैंने बारीक कटा हुआ हरा मिर्च लिया है। ये मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, गरम मसाला लिया है, ओरिगेनो लिया है ये मैंने 1/2 चम्मच, और ये मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। मैंने फ्राइंग पैन रख लिया है, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल और ऑयल को मैं गरम होने देती हूँ। अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है तो मैं इसमें डाल देती हूँ बारीक कटी हुई प्याज। और प्याज डालने के बाद मैं प्याज को हल्का सोटे कर लूंगी। और अब मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ शिमला मिर्च जो बारीक कट करके रखी थी। अगर आप शिमला मिर्च नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर सकते हैं, अपने मनपसंद वेजिटेबल डाल सकते हैं। और अब मैंने डाल दिया है टोमेटो, इसको भी मैं फ्राई कर लूंगी। अब हमारी सब्जियाँ हो चुकी हैं तो मैंने गरम मसाला डाल दिया। इसके बाद मैंने ओरिगेनो डाल दिया, नमक डाल दिया और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं डाल दूंगी पानी। पानी मैंने 2 बड़े बाउल पानी डाला है। और यहाँ पे मैंने मैगी मसाला डाल दिया और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं पानी को बॉयल होने देती हूँ। पानी बॉयल होते ही मैंने मैगी डाल दी और मैगी को अच्छे से बॉयल करेंगे इसमें। और अभी से मैगी की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। आप इस मैगी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब देखिए हमारा पानी सूख चुका है, हमारी मैगी हो चुकी है। तो यहाँ पे 2 चम्मच मेयोनीज में डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मेयो मैगी बहुत ही डिलीशियस होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे। और अब मैंने गैस को बंद कर लिया है और मैं मैगी को सर्व कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी यम्मी मैगी बनके तैयार हुई है। देखिए मैंने मैगी को सर्व कर लिया है तो मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल दिया। ये हमारी मेयोनीज मैगी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, रिलेटिव में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।